स्वागत करता हूँ सिटी सेंटर में। मेरा नाम है आदित्य झा। उदयपुर में घायल बच्चे की स्थिति स्टेबल बताई जा रही है। हम आपको बता दें, बेहतर इलाज के लिए जयपुर की एक टीम उदयपुर पहुंची थी, तो जयपुर के डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया है और खतरे से बाहर है अब बच्चा। तो बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं कि उदयपुर से सबसे बड़ा अपडेट, बच्चे की हालत स्थिर बताई जा रही है। ये वही बच्चा है जिसे चाकू लगी थी, 4 से 5 बार इसके जांघ पर चाकू से वार किया गया था। बार बार चाकू से वार करके उस चाकू को घुमाया गया था, जिसकी वजह से बहुत खून बह गया था। देवराज है इस बच्चे का नाम, जिसे हॉस्पिटल ले जाया गया था और आईसीयू में भर्ती उसे होना पड़ा था। लेकिन बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं, अब बच्चा खतरे से बाहर है। तो उदयपुर से सबसे बड़ा अपडेट है, तस्वीरें आपके समक्ष है। बच्चे की हालात स्थिर बताई जा रही है और जैसा कि हमने आपको पहले भी अवगत कराया था कि बच्चे के लिए उदयपुर से सीनियर डॉक्टर्स की एक बकायदा टीम गई थी उपचार के लिए और जयपुर के डॉक्टरों ने इलाज शुरू कर दिया है। और इलाज के बाद जो अपडेट आ रहा है वो हम आपको बता रहे हैं कि बच्चे की स्थिति अब पहले से बेहतर है। बच्चा स्टेबल है, देवराज स्टेबल है। देवराज जो जिंदगी और मौत के बीच कहीं लटका हुआ था, उसकी स्थिति बहुत नाजुक बनी हुई थी, लेकिन अब बड़ी बात ये हो रही है, बड़ी बात ये सामने आई है कि बच्चा यानी देवराज जो है अब स्टेबल है। तो जैसा हमने आपको बताया, उदयपुर में घायल बच्चे की स्थिति स्टेबल बताई जा रही है। बेहतर इलाज के लिए जयपुर की एक टीम उदयपुर पहुंची है जो बच्चे का इलाज भी कर रही है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम बच्चे की स्थिति पर नजर रखे हुए है और ये बड़ा अपडेट है कि अब बच्चे की स्थिति बेहतर है, अब बच्चा स्टेबल है। अभी अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि बच्चे को अच्छे से अच्छा इलाज मिले। जो बात सामने आई थी, कुछ एक्सपर्ट्स की कमी थी, माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में लाया गया। इमीडिएटली स्टेट प्लेन से डॉक्टर्स की टीम को उदयपुर रवाना किया गया। उस टीम ने बच्चे को देख लिया है और जो भी बेस्ट इलाज जो मेडिकल फील्ड में इलाज उसे दिया जा रहा है। निश्चित रूप से कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं, तो मैं आपके माध्यम से सबको अपील करता हूँ कि अफवाह फैलाने वालों से दूर रहें, क्योंकि सुबह भी कुछ अफवाहें फैली थी और कोई भी अफवाह आती है तो उसका कृपया करके प्रशासन से वेरीफाई करें, क्योंकि ऐसे समय में हो सकता है कि कुछ लोग सिचुएशन का मिसयूज़ करना चाहें, गलत फहमी फैलाना चाहें, तो उन लोगों से अपने को दूर रहना है। और अब अपन सब लोग अभी तो एक ही मकसद है कि उस बच्चे की को किस प्रकार से जल्दी से स्वस्थ करें। डॉक्टर्स ने जो है जो इनके ट्रीटमेंट के ऑप्शंस होते हैं उसके बारे में वो विचार विमर्श चल रहा है। दिल्ली में भी वो डॉक्टर से बात कर रहे हैं। मेरा मानना है कि बेस्ट ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और जैसे जैसे उसकी हालत में सुधार होगा तो नेक्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दिया जाएगा। अभी बच्चे की सिचुएशन, अभी बच्चा स्टेबल है, बच्चा स्टेबल है। जब बच्चा कल आया था, बच्चे का बीपी 60 के आसपास था, बच्चे का बीपी बढ़ के 100 तक पहुंच गया है और वो वेट कर रहे हैं कि एक बार बीपी 110-115 तक पहुंच जाए। जैसे 110-115 तक पहुंचेगा उसके बाद नेक्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा, पर क्योंकि एक्यूट इंजरी है, ब्लड हो गया है, तो समय लगता है। आए हैं, पूरी टीम आई, पर यहाँ के डॉक्टर्स ने जो प्राइमरी सारा कुछ था बहुत अच्छा मैनेज करा, खूब अच्छा मैनेज करा है। और जहाँ तक है कार्डियोथोरेसिक सर्जरी की बात कर रही हूँ, तो सर ने ग्राफ्ट व्राफ्ट लगा के लिम्ब को सेव कर लिया है। लिम्ब ठीक है, पाँव जो है उसका वो ठीक है। अभी बच्चे की, बच्चे के लिए क्रिटिक थोड़ा सा वो तो है, पर स्टेबल है विद ऑल द सपोर्ट्स एंड वेंटिलेशन। ठीक है, वेंटिलेशन चल रहा है, अपन आर्टिफिशियल वो दे रहे हैं और कुछ स्पॉन्टेनियसली वो सांस ले रहा है। तो अभी अपन को ये नहीं पता है कि अब आगे क्या रहेगा, समय बताएगा कि वो उसका रिकवर करता है क्या। और राजस्थान के मंत्री बाबूलाल खिलाड़ी ने भी अस्पताल जाकर बच्चे से मुलाकात की है। उन्होंने बताया है कि बच्चे की हालत ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से शांति की अपील भी की है। बच्चे को मैं खुद जाके देख के आया हूँ, पहले से थोड़ा ठीक है और डॉक्टर से भी मैंने राय ली है। डॉक्टर ने कहा कि पहले से तो बेहतर है, लेकिन अभी फिर भी टिकट तो है,
वो अपना प्रयास पूरा कर रहे हैं और हमने भी ये कहा कि भैया आप पूरा ट्रीटमेंट इनको दें, जैसा आपको प्रॉपर लगता है वैसा, जैसा भी आपको ठीक लगे वैसा करिएगा, बच्चे की जान बचनी चाहिए, तो वो पूरा प्रयास कर रहे हैं। परिजन भी बिल्कुल संतुष्ट हैं इलाज से भी, और हमने परिजनों से और सबसे हमने अपील की है कि शांति बनाए रखें, क्योंकि माहौल ठीक रहे ये हम सब की इच्छा है। तो और ये सारा अभी शांति है, पूरे शहर में भी कोई दिक्कत नहीं है, और प्रशासन को भी हमने कह दिया है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक रहनी चाहिए, ऐसा हमें बता दिया।